मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग दिल्ली से हैव मोर गुलाटी या फिर इवन दरियागंज का बटर चिकन लेके आओ, मैं यहाँ से इधर का बटर चिकन लेके आता हूँ, खाते हैं कहीं बैठ के और आप ही डिसाइड करना। बचपन की एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, और वो है जिस प्रकार से हम बचपन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। तो यार 12 अप्रैल को था मेरा बर्थडे, और उससे एक दिन पहले ही मैं इंडिया वापस आया था, तो एज सच मैं कुछ वीडियो प्लान नहीं कर पाया था बर्थडे मकबैंग के लिए। बट क्योंकि बर्थडे था और आज मैं मकबैंग कर रहा हूँ कुछ दिनों बाद, तो केक होना तो इसमें बनता है। और यार जितने भी दिन मैं हांगकांग में था ना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा याद आई अपने ब्लैक पेपर के बटर चिकन की। तो बटर चिकन भी होना। एयरप्लेन की आवाज़ आ रही है आपको? ये प्लेन है एविएटर गेम का फ्रॉम द प्लेटफॉर्म फोर एबिट। आपने शायद ऑलरेडी इस गेम के बारे में सुना भी होगा, बट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मिनट्स में मैं इसमें अच्छे अच्छे प्राइजेस अर्न करता हूँ। और ये गेम मैं खुद रेगुलरली खेलता हूँ, और आज बताते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी यही लोग हैं। फोर एबिट एक लाइसेंस साइट है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको एक डिपॉजिट करना पड़ता है, जिसके तुरंत बाद आपको उस पर बोनस भी मिल जाता है। जैसे मैं अभी इसमें 5,000 रुपये डिपॉजिट करने वाला हूँ, और मुझे मिल चुके हैं 10,000 रुपए अलग से एज अ गिफ्ट। अब आपको इसके बाद ढूंढना है इसमें एविएटर गेम, उसमें जाना है। मैं इसमें 5,000 रुपए लगाने वाला हूं, और प्लेन उड़ना स्टार्ट हो चुका है, उड़ रहा है। कैश आउट पे क्लिक करना है मुझे इससे पहले कि प्लेन क्रैश कर जाए। उड़ रहा है, अभी ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। भाई अब मैं कैश आउट पे क्लिक कर दूंगा, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेने का। तो आप देख सकते हो 3.5 टाइम्स ज्यादा हुआ है मेरा अमाउंट, और मैं इसमें जीता हूँ 17,650 रुपीज। अब मैं आपको इसमें से 22,000 रुपये विड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, बाकी का अमाउंट छोड़ देंगे बाकी के गेम्स के लिए। और यहाँ आप स्क्रीन में देख सकते हो कि 22,000 रुपये ऑलरेडी मेरे अकाउंट में आ भी चुके हैं। बाय द वे भाई, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी टू यूज है फोर एबिट। मोर ओवर इसका विड्रॉल सिस्टम भाई फास्टेस्ट है मेरे हिसाब से। इसका लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तुरंत डाउनलोड करो, खेलो और जीतो ढेर सारे प्राइजेस। अब फटाफट से करते हैं भाई आज का वीडियो स्टार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ओ हो, भाई ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये है मेरे पास डच ट्रफल केक, ये मैंने मंगा रखा है कैफे कॉफी डे से, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कुछ प्लान नहीं था, तो जो भी आउटलेट मुझे दिखा मैंने वहाँ से ही मंगा लिया। वहीं सेंटर में है मेरे पास मेरे देहरादून के फेवरेट आउटलेट ब्लैक पेपर का बटर चिकन, भाई बेहतरीन दिख रहा है। पीछे की साइड इसी के साथ है मेरे पास फुल अनकट बटर नान, और इसके नीचे है एक गार्लिक नान भी, और इसकी ज़रा शक्ल देख लो यार, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। वहीं राइट हैंड साइड में है मेरे पास थोड़ा सा जीरा राइस। सबवे से मैंने मंगा रखा है एक सबवे क्लब सैंडविच, फुट लॉन्ग बोला था बट उन्होंने बीच से काट के दे दिया। मेरे दिमाग में था कि पूरा फुट लॉन्ग आ जाएगा तो फिर दिखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगेगा, बट एनीवे यहाँ इस साइड मैंने रख रखा है थोड़ा सा बचा हुआ अपना बटर चिकन। अब क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, ग्लास लाने का टाइम नहीं है, अदरवाइज ग्लास में करते अपनी परंपरा। बारह अप्रैल कल था बर्थडे। में हमेशा मेरे घर में वेजिटेरियन फूड ही आता है, मतलब कल मेरे घर में वेजिटेरियन फूड की पार्टी हुई है। बट यार बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा था कि ब्लैक पेपर खाऊं, इसलिए आज बर्थडे मकबैंग में नॉन वेजिटेरियन है, अदरवाइज नहीं होता। ये जरा ट्राई करके देखते हैं भाई डच ट्रफल केक। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। देखते हैं भाई कैसा है। हेलो, ये रहे आपके आखिरी सवाल। एक्सट्रीमली हैवी, बहुत ही ज़्यादा हैवी था। क्लब सबवे जिसमें आपका टर्की चिकन और नीचे है चिकन पेपरोनी, और बाकी टोमेटोज, हलपीनियो, थोड़ा सा लेटस और एक टोमेटो जो अभी नीचे गिर चुका है। दिखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। पार्मेजान और ओरिगानो ये ब्रेड है, लेट्स सी कैसा हो रहा है। मेरा एक्चुअली ऑडियो लैपटॉप में रिकॉर्ड होता है, इस वाले माइक का, वो लैपटॉप बंद हो गया यार। भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो रहा है। गोल्डन हार्वेस्ट
भाई मैंने इंडियन फूड को इतना मिस किया है ना हांगकांग में, वहाँ वेज का ऑप्शन है ही नहीं और चिकन भी बहुत कम है, पोर्क और बीफ। बाय द वे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद ये मेरा तीसरा बर्थडे है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ जो मुझे ब्लैक पेपर करे, ऐसे छोड़ दो ऐसे उठा लो, लेट्स सी हाउ इट इज। क्योंकि मैं गारंटी से बोल रहा हूँ जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखने के बाद ब्लैक पेपर ऑर्डर करेंगे या जो भी करते हैं, अगर ब्लैक पेपर अपना टेस्ट ऐसा ही कंसिस्टेंट रखता है भाई, इससे बेटर बटर चिकन मैं फिर गारंटी कर सकता हूँ कि आपने नहीं खाया होगा कभी। शक्ल देखो, परफेक्ट टेस्ट, परफेक्ट कलर, परफेक्टली कुक्ड, मतलब सही में ये एक कला है। जो कोई भी ब्लैक पेपर में भाई ये बटर चिकन बना रहा है, हैट्स ऑफ आपको, बहुत ही तगड़ा है यार। वाह भाई गार्लिक नान। ऑल दो हाँ मैं एक चीज़ डेफिनेटली बोलना चाहूँगा, मतलब अभी रिसेंटली ब्लैक पेपर ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, एटलीस्ट जोमेटो में तो बढ़ा दिए हैं, बाकी मेरे को पता नहीं ओरिजिनल प्राइस कितना है वहाँ, कभी गया नहीं हूँ, विजिट नहीं किया है। मतलब अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ब्लैक पेपर देहरादून के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में आता है। इनके फुल बटर चिकन की कॉस्ट हो चुकी है भाई 1100 समथिंग, इनका बटर नान 100 रुपए का हो चुका है और ये गार्लिक नान 150 रुपए का हो चुका है। बट मुझ जैसे लोग जो एडिक्टेड हो चुके हैं इसके टेस्ट के भाई, वो वंस इन अ ब्लू मून ही मंगाएंगे खाना, लेकिन मंगाएंगे जरूर। गार्लिक नान थोड़ा सा चुई ज़्यादा हो रहा है, बटर नान परफेक्ट है। एक बड़ा सा बाइट लेते हैं। ओह ऐसा बटर चिकन ना हैवमोर बना सकता ना गुलाटी बना सकता है, दरियागंज तो बहुत दूर की बात है, इस बटर चिकन का लेवल मैच नहीं किया जा सकता। बहुत नॉस्टैल्जिक टेस्ट है इसका। बचपन में उस टाइम जब हम 2-3 महीने में एक बार कभी बाहर का खाना मंगाया करते थे, तब जैसा बटर चिकन आता था बाहर से बनके, एग्जैक्टली वही टेस्ट और वही खुशबू है। बाय द वे ये इसकी एक हाफ की क्वांटिटी है। और हाँ एक और चीज़, कल दिव्या ने भी एक केक बना के दिया था मुझे, जिसकी पिक मैं यहाँ दिखा दूंगा, क्योंकि भानु भैया भाई वो पूरा का पूरा ख़त्म कर चुके हैं। मैंने थोड़ा सा खाया था क्योंकि मैं 1 मील अ डे डाइट ही करता हूँ, तो मैं सोच रहा था आज मकबैंग में रखूँगा खाऊँगा, बट भानु भैया को वो केक इतना पसंद आया भानु भैया पूरा पेल गए।
उसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरे, चेक कर लेना भाई जिसको भी बेहतरीन मैंगो चीज केक खाना हो। अगेन लेट्स गो इन फॉर अ बिग बाइट। मैं बताऊँ इसके साथ क्या होता है, बाइट बनाओ मुंह में रखो, बाइट मुंह में रखते ही ना आँखें में बंद हो जाती हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग दिल्ली से हैव मोर गुलाटी या फिर इवन दरियागंज का बटर चिकन लेके आओ, मैं यहाँ से इधर का बटर चिकन लेके आता हूँ, खाते हैं कहीं बैठ के और आप ही डिसाइड करना। जरा चावल के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। हांगकांग की ना बहुत सी बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है यार। जगह तो बढ़िया है अपने ब्लैक पेपर के बटर चिकन की तरह, भाई चावल के साथ भी क्या गजब लग रहे हैं। लेट्स सी कैसे टेस्ट करते हैं। ओरिजिनल टेस्ट ही बढ़िया है। कंसिस्टेंसी देख लो, गाढ़ापन। कोई लास्ट वीडियो में पूछ रहा था ग्रेवी की कंसिस्टेंसी क्या होती है, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मतलब इतनी गाढ़ी है ग्रेवी। गाढ़ी का मतलब ये होता है कि मटेरियल बहुत अच्छे से डाले गए हैं इसमें। मैं इसकी तारीफ करते करते नहीं रुक सकता तो इसलिए हांगकांग की बातों में आ जाते हैं। हांगकांग में ना अपन लोग गए थे एक वाटर पार्क में जो कि स्टूडियो सिटी के अंदर ही था। जिसने मेरे ब्लॉग्स देखे उनको पता होगा कि मकाओ में हम रुके थे स्टूडियो सिटी में, जो कि वहाँ का एक काफ़ी अच्छा 5-स्टार होटल है जिधर उनका खुद का कैसीनो भी है, पूरा का पूरा इंडोर वाटर पार्क भी है उस होटल के अंदर और एक पूरा का पूरा मॉल भी है उस होटल के अंदर। गाड़ी का शोरूम, एम्पोरियो और अरमानी का शोरूम, सब कुछ है उस एक होटल के अंदर। तो यार सबसे खतरनाक चीज़ ये थी कि वो इंडोर वाटर पार्क बना रखा था उस होटल के आई डोंट नो 12th या 14th फ्लोर में। जब जब बाहर नजर आ रही थी ना तो सारी बिल्डिंगें नीचे ही नजर आ रही थी अपने से। यार बहुत तगड़ी इंजीनियरिंग, बहुत तगड़ा आर्किटेक्चर, पता नहीं कितना दिमाग लगाने के बाद वो इंडोर वाटर पार्क उन्होंने बनाया है बिल्डिंग के ऊपर। और उस इंडोर वाटर पार्क में इतनी मैसिव स्लाइड्स थी ना, जो दो मुझे बेस्ट लगी उनमें से एक थी फ्री फॉल, अपन ऐसे सिलेंड्रिकल उसमें यू में खड़े होते हैं और नीचे एक ट्रांसपेरेंट फ्लोर होता है, काउंट डाउन में बजता है 3, 2, 1, तो हम जैसे इसके ऊपर है वो यू में खुलता है और अब जुप नीचे, और वो सिलेंड्रिकल शेप का ना अंदर पिच डार्क होता है। एक हल्का सा लाइट सोर्स आपको दिखाई देगा जो दूसरा एंड है वहाँ से आती है वो लाइट, अदर देन दैट पिच ब्लैक। भाई हालत ऐसी ख़राब होती है, बाइट ऑलरेडी है, हालत ऐसी ख़राब होती है यार जिसका हिसाब नहीं है। मज़ेदार मतलब ऑलमोस्ट सारी राइड्स मुझे बहुत बढ़िया लगी थी, बट एक ये फ्री वॉल और एक थी भाई ब्लैक होल जिसमें दो जनों की ट्यूब होती है, आप उसमें बैठते हो। तो चौहान जी और मैं बैठे थे सिलेंड्रिकल टनल में, अंधेरा भाई कुछ नहीं, उसमें तो लाइट सोर्स भी नहीं देखा, जा रहे हैं उस अंधेरे में, अचानक से ना ऐसे पूरे रेनबो कलर्स बन रखे हैं उस स्लाइड के अंदर सिलेंड्रिकल शेप में, रेनबो कलर्स एक एक करके। तो पिच डार्क से अब इमेजिन करो, पिच डार्क से एकदम से रेनबो कलर्स में, नीचे पानी है, आप ट्यूब के ऊपर बैठे हो और मैं तो उल्टा था तो यू में देखते हुए चल रहा हूँ मैं पूरे रेनबो कलर्स, फिर एकदम से ड्रॉप आता है और आप दोबारा से पिच डार्क लोकेशन में स्लाइड करते हुए जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या है क्या नहीं है। फिर एक और रेनबो आता है, यू में जा रहे हैं पूरा रेनबो रेनबो, और फिर यू में टर्न है, मतलब पूरा यू में जाते हुए यू में टर्न होता है, फिर से पिच डार्क, तो ऐसा पॉइंट है कि यू में गए छपैक करके आए और ट्यूब वहाँ अटक गई 5 या 6 सेकंड के लिए। भाई वो ट्यूब वहाँ अटकी हुई थी, चौहान जी का तो पता नहीं बट मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि भाई अटक गए और अंधेरा, और भाई टोटल अंधेरा, समझ नहीं आ रहा कहाँ है, बस इतना समझ आ रहा है कि हम अटक गए हैं क्योंकि ट्यूब बिल्कुल नहीं हिल रही, बट दैट वॉज अ पार्ट ऑफ द राइड। फिर वो दूसरे डायरेक्शन में निकल जाती है भाई, बहुत ही अमेजिंग थी।
बहुत लोगों से मैंने सुना कि हांगकांग में घूमने के लिए कुछ नहीं है। किसी की बात को मैं गलत नहीं बोलूँगा कि गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है कि वहाँ कम चीज़ें हों घूमने के लिए, बट वो जो कम चीज़ें हैं ना वो मार्वल्स हैं भाई। हाँ देखो, मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था तो मैं किसी और से उसको कंपेयर करके नहीं बोल सकता, फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। मज़ा आ गया हांगकांग घूम के। से कुछ मकबैंग्स में मैं थोड़े कम फूड आइटम्स ही रखूंगा, कृपया करके झेल लेना। भाई नीचे देखो, क्रीम बढ़िया, इसमें किसी चीज़ का टेस्ट आ रहा है जो बहुत बहुत ज़्यादा रिजेम्बलिंग है। भानु भाई से पूछना पड़ेगा। हेलो भाई ऊपर आना, भाई एक चीज़ पूछनी है बस, आओ ना। मेरे ख्याल से बिस्किट आते थे ना जो सनफीस्ट के या किसी के ऑरेंज क्रीम वाले, इससे थोड़ा बहुत ना वैसा टेस्ट आ रहा है। भानु भाई से पता करते हैं। भाई इस केक में बहुत ही रिजेंबलिंग टेस्ट आ रहा है, मैं जानना चाह रहा हूँ किसका है। इतना छोटा सा क्यों काट रहे हैं? भाई, मेरे को नहीं तो तेरी वजह से खा रहा हूँ ना, तो मैं खा नहीं रहा हूँ। कोई टॉफी जैसा है शायद, शायद ऑरेंज बाइट आती थी शायद, पता नहीं कैसे मेरे भी ज्यादातर दिमाग में ऑरेंज आया, लेकिन ये टेस्ट ऑरेंज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई टॉफी का ही टेस्ट है, हाँ लेकिन वो ऑरेंज ही टॉफी क्यों है क्योंकि केक ऑरेंज है ना, ये डस्ट ट्रफल ऑरेंज केक है। भाई? डच ट्रफल है भाई, क्या बात करती। मैंने इसके बाद क्लियर कर दिया था अपना। ये देखो डच ट्रफल केक, मुझे लग रहा है ये सनफिस्ट के ऑरेंज वाले बिस्किट जैसा। हाँ, वही एग्जैक्ट, वही जो ऑरेंज क्रीम बिस्किट में डलती है ना, हाँ एग्जैक्ट ये पकड़ा तूने सही, वो मुझे क्रीम वैसा वाला ही बिस्किट है पक्का। भाई एग्जैक्टली। तो भाई अपना गेस एकदम सही था, बट बढ़िया। बचपन की एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, और वो है जिस प्रकार से हम बचपन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। जैसे मैंने अपने 2 साल पहले वाले बर्थडे मकबांग में किया था, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एग्जैक्टली हम लोग वैसे ही बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लेना, तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे मेरे साथ, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं वैसे नहीं कर पाया 90s स्टाइल में बर्थडे सेलिब्रेट, ऑल दो मेरा मन बहुत था। बट एनी वे, आज के वीडियो में भी मज़ा आ गया यार, बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। आई जस्ट होप यू गाइज एंजॉय टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई कैच यू गाइज ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।